हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिसाई क्लासेस। आशा करूछि आपण माने भलरे थिबे। तो आज रही आपण मानक तीसटा क्वेश्चन जोटा आपणकर मॉक टेस्ट अच्छी। समस्त जानते आम चैनल रे रेगुलर मॉक टेस्ट चलुची सब विषय रो, तेणु आपण माने प्लेलिस्ट विजिट कर दियंतु। सबु जाक चैप्टर रो आपणकु टेस्ट मिल जिवो। जेमिति आपणकु पेपर रे क्वेश्चन पचारुची सेई टाइप रही प्रश्न रही। तले 30 रु केते स्कोर करुछंती निहाती भाबरे कमेंट बॉक्स रे जणैबे। स्टार्ट करिबा आमर टेस्ट। प्रथम क्वेश्चन रहिला, सी गेव हर चाइल्ड अ डैश टॉय। एटा आपणकर सिक्वेन्स ऑफ एडजेक्टिव रो प्रश्न रही। जेहेतु ओटेट एग्जाम रे कंपलसरी आपणको एडजेक्टिव रो सिक्वेन्स पचारुची, तेणु एटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। ठीक अछि, ताहले आपणको ट्रिक मध्य मु जणैछि एडजेक्टिव रो कोन रहिछि ट्रिक। ट्रिक अछि आपणकर ओस्का, ओस्का SCPOMP। ठीक है, ये जो ट्रिक रही यादव आपण मैंने सिक्वेन्स ऑफ एडजेक्टिव आराम से करेंगे। ठीक है, ताले ब्लू प्लास्टिक जापानीज टॉयज हम ना ब्लू जापानीज प्लास्टिक टॉय हम, प्लास्टिक ब्लू जापानीज टॉय हम ना जापानीज प्लास्टिक ब्लू टॉय हम। निहाती भाव में एक नंबर आंसर आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे दियंतु। बहुत थर आपणकर कांसेप्ट रु क्वेश्चन आम आलोचना करीचे, तेणु निहाती भाव में आंसर दियंतु। तापर मु जणैबी डिस्कस करिबा। ताहले जदि देखिबा प्रथमे ओपिनियन आसीबो। ठीक है, देखंतु कलर देची एठी, तापर प्लास्टिक देची हैला, तापर जापानीज देची। एठी जापानीज रहीगला आपणकर ओरिजिन। ठीक है, आउ प्लास्टिक होची मटेरियल, ओके, आ ब्लू होची कलर। ताहले आगो कौन आसीबो, आगो आसीबो आपणकर रूल वाइज जदि देखिबा टिके देखो देखि दियंतु रूल कौन अछि। रूल रहीची आपणकर ओस्का, हाँ ओस्का ओस्का SCPOMP। ठीक है, मटेरियल सबुठ लास्ट आसो। ठीक है, तेणु प्लास्टिकटा लास्ट रही, ऑप्शन बी एटी करेक्ट। ब्लू जापानीज प्लास्टिक टॉय लास्ट आपणकर आसो मटेरियल, ता पूर्व आसो ओरिजिन, आउ ब्लूटा होची कलर जेहेतु, तेणु सेटा आगो लेखा हबो। जो मैंने भी एक नंबर आंसर बी दोउछंती गोटे मार्क आड कर दियंतु। टिके ये कांसेप्ट मध्ये आमे डिस्कस करिके चलिबा। देखंतु आपणकर क्वेश्चन रहिची कांसेप्ट एडजेक्टिव रो सिक्वेन्स उपरे, तेणु देखि दियंतु आपण आगो करिबे ओरिजिन हला ओपिनियन। ओ रु होची आपणकर ओपिनियन, एस रु होची आपणकर साइज, क्यू रु होची क्वालिटी, ए रु होची एज। ता सहित आपणकर आसीबो SC जोटा होची सेप, तापर हला कलर हला, तापर आसीबो ओस्का SCPO, पीओ हला पार्टिसिपल, ओ रु हला ओरिजिन, तापर आसीबो आपणकर MP मटेरियल, एंड लास्ट रहिला पर्पस। ठीक हला, से अनुजाई जदि देखिबा ताले आगो आपणकर ब्लू जेहेतु आसीछि, ब्लू होची गोटे कलर, तेणु सेटा आगो अछि एक नंबर। तापर आछि आपणकर कोनो ना ओरिजिन, एटा हला ओरिजिन। ठीक हला, ओरिजिन आसिला सेकेंड, तार मटेरियलटा आपण हला थर्ड, तेणु ये सिक्वेन्स वाइज गले ब्लूटा आगो आसीबो, तापर आसीबो जापानीज, तापर आसीबो प्लास्टिक। ठीक अछि, बुझेगा आपंक कनसेप्ट, तेणु आंसर होगा आपंकर ऑप्शन नंबर बी। जो मैंने बी देती गोटे मार्क आड करूँ। फाइनली आउट ऑफ 30 केते स्कोर कले सेटा आपण जणैबे। ओके, नेक्स्ट देखिबा, द डॉक्टर केम आफ्टर, डॉक्टर आसिले केते बेड़ आसिले, द पेशेंट हर डाइड, द पेशेंट डाइड, द पेशेंट वाज डाइड, द पेशेंट वाज डाइंग। ताले ए क्वेश्चन रो टिके सेंस बुझिबा को ट्राई करंतु। यार कहिबा अर्थ होची डॉक्टर आसिले जेते बेडे पेशेंट मरी सारी थिला। ताले दीटा एक्शन रु गोटे जदि आपणकर सिंपल रे अछि आ गोटे परफेक्ट हबो। ठीक है, परफेक्ट कोटे हबो जोटा आगो हिथिबो। ठीक है, ताले आगो डॉक्टर आसिले ना आगो पेशेंट मला। ठीक है, जदि डॉक्टर आसथांते ताले पेशेंट को बंचे दे थांते, अर्थात आगो पेशेंट मरी जाइछि देन डॉक्टर सेठी पहुँचिले। ताले निहाती भाव रे आगो पेशेंट मरीछि जेहेतु एटा हिजबा आपणकर पास्ट परफेक्ट रे। ओके, ताले पास्ट परफेक्ट कोटा हबो जोटा पेशेंट मला। ताले द पेशेंट हार्ड डाइड, जेहेतु पास्ट परफेक्ट अछि, परफेक्ट रे आमे हैज हैव आउ हैड रो व्यवहार करी थाउ। ठीक है, हैज हैव आपणकर प्रेजेंट सेन्स रे थाए, हैडटा पास्ट रे थाए, जेहेतु एठी आमे पास्ट सिंपल अछि तो आमे पास्ट परफेक्ट करिबा। ताले द पेशेंट हैड डाइड ऑप्शन ए हबो एठी करेक्ट आंसर। जो माने भी ऑप्शन ए करिसेंती गोटे मार्क एड करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवेन टू प्रोनाउंसिएशन इन व्हिच मेथड। क्यों मेथड रे बहुत कम अटेंशन मिले कोठी पाई प्रोनाउंसिएशन पाई, को मेथड रे, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव
लैंग्वेज टीचिंग ना स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग। ताले देखिबा सबुठ खराब मेथड होउछि आपणकर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जोटा होउछि गोटे क्लासिकल मेथड जो थिरे आपणकर टार्गेट लैंग्वेज को सिखिबा बहुत कष्ट होइथाय। पिलार प्रोनाउंसिएशन ये सबुरे बहुत माने खराब प्रभाव पड़े कहार ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रो। तेणु एटा ऑप्शन बी हबो एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा ताले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज हेविली रिलाइज ऑन। ताले ए जो रही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सेटा कहा ऊपर अधिक जोर दिए। मीनिंग फोकस्ड टीचिंग फॉर्म फोकस्ड टीचिंग डायरेक्ट टीचिंग आज अ स्ट्रेंथ फॉर लर्निंग ना लैंग्वेज यूज ऑन द मेन फोकस कोटा हबो। ताले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जेहेतु गोटे भल मेथड नुहे कहीं भल मेथड नुहे आंसर दिंतु कमेंट बॉक्स रे कहीं एटा गोटे भल मेथड नुहे। ठीक है लैंग्वेज यूज आज द मेन फोकस एटा जदि टारगेट लैंग्वेज को यूज करी थांता ताहले आमे याकु केबे हेले भी गोटे क्लासिकल मेथड कही न थांते। अब ये डायरेक्ट टीचिंग ऊपर आउ डायरेक्ट टीचिंग को स्ट्रेंथ मध्य करे नाही। ठीक है आउ टीचिंग को फोकस मध्य करे नी ये सब हो गला तार प्लस पॉइंट। तेणु नेगेटिव पॉइंट होची मीनिंग फोकस टीचिंग सब बेले तार अर्थ को ट्रांसलेट करिकी जेहेतु सिखा जाउची तेणु एटा गोटे भलो मेथड नुहे। डायरेक्ट मेथड रे आपन को डायरेक्ट टीचिंग को आपन को स्ट्रेंथ करा जाए लर्निंग को एटा स्ट्रेंथ करे डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज रे व्यवहार करा जाए हला बट मीनिंग ऊपर फोकस करा जाए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे। चार नंबर आंसर ए हि जबो करेक्ट। व्हाइल वी डियास आवर डिनर द लाइट वेंट आउट जते बडे आमे डिनर नउथुलु से समय रे कोन हला लाइट पळेला वेंट आउट देची टिके भाबी की प्रश्न रो उत्तर देबे। पांच नंबर आंसर कौन हबो कमेंट बॉक्स रे लेखंतु। व्हाइल वी हैव आवर डिनर द लाइट वेंट आउट व्हेन वी आर हैविंग आवर डिनर द लाइट वेंट आउट व्हेन वी हैड आवर डिनर द लाइट वेंट आउट ना वे व्हाइल वी वेर हैविंग आवर डिनर द लाइट वेंट आउट कौन हबो इजी क्वेश्चन अछि। ताले एटा डिनर तांकर जेहेतु कंटिन्यू चालूला ताले एठी हाव हार्ड रो कदापि आमे व्यवहार करिवानी रहीगला कौन एयर हैविंग आ वेर हैविंग ता भितरो आर हैविंग करथांत जते बडे सेंटेंस सा प्रेजेंट रे हेथांता जेतु टी वेंट आउट अछि ना तले आउ रहिछि व्हाइल वी डेस आवर डिनर द लाइट वेंट आउट दैट मीन एटा पास्ट कथा कुहा जाउछि सो आमे कहिबा वेर हैविंग। ओके ऑप्शन डी होबे एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ही इज सफरिंग डेस द हेडेक हेडेक अ हेडेक आन हेडेक छ नंबर आंसर दियंतु कमेंट बॉक्स रे। तले सी इज सफरिंग फ्रॉम एटी अ हेडाक हबो काहेकि ना एटा गोटे फ्रेज। ठीक है ऑप्शन सी हबो करेक्ट। वी डैश ड्राइव फास्ट आज वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम ताले आमको डैश ड्राइव करिवार कौन माने नेगेटिव सेंस रे आपण यूज करिवे तकु काहेकि ना आम पाखरे बहुत सारा समय रहिछि कौन हबो वी नीड नॉट ड्राइव वी मस्ट नॉट ड्राइव वी कैन नॉट ड्राइव ना वी कुड नॉट ड्राइव कौन हम आंसर सात नंबर रो कमेंट बॉक्स लिखिक दिंतु। ताले जेहेतु आम पाखरे बहुत समय अछि तेणु एत शीघ्र ड्राइविंग करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। ठीक है तो सात नंबर ए हेइबो करेक्ट आंसर। व्हाइल रीडिंग फॉर कंप्रेहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर आर एग्जांपल ऑफ होमोग्राफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोग्राफ। ताले होमोग्राफ रो डेफिनेशन आमे जानिचे बहुत थर डिस्कस हेछि होमोनिम होमोग्राफ होमोफोन पॉलीजेमी ये समस्त ऑलरेडी सब टर्म सहित आपण माने जड़ित तेणु निहाती भाव में आंसर दियंतु कमेंट बॉक्स रे। डेली बेसिस रे आमे जेहेतु क्लास चलेइछि मॉक टेस्ट बहुत सारा हेछि एही परे क्वेश्चन आमे पूर्वरु मध्य करि सारिछे तेणु आपण माने ही आंसर दियंतु। ताले होमोग्राफ कहिबा जहार स्पेलिंग टा एका भलिया थिबो। ठीक हैला तेणु आंसर हेजबो ऑप्शन ए। ओके त लीड होउछि गिव डायरेक्शन आ गोटे लीड हला मेटल तेणु ऑप्शन ए हम अर्थ अलग हो चल। ठीक है बट लेखाटा एका भलिया हवा दरकार होमोग्राफ रे होमोफोन रे कौन लेखा अलग हो चल बट साउंडटा एका हवा दरकार। ठीक है बट होमोनिम कथा जदि कहिबा तादरे कौन हम ना तार साउंड आउ स्पेलिंग बहुत इक्वल थिबा दरकार। नेक्स्ट देखिबा टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नो रिलेटेड मीनिंग। अच्छा दुईटा शब्द अच्छा तांको साउंड भी एका परिका स्मेल भी एका परिका नॉट स्मेल स्पेलिंग हाँ आइडेंटिकल साउंड माने साउंड तांकर एका परिका स्पेलिंग मध्य एका परिका बट तांको मीनिंगटा अलग ताको आमे कौन कहिबा होमोनिम होमोग्राफ पॉलीजेमी होमोफोन नौ नंबर आंसर दियंतु। आंसर इज बो होमोनिम ऑप्शन ए।
जेहेतु तार साउंड भी एका भड़िका रही स्पेलिंग भी एका भड़िया रही हम होमोनिम देखो होमोग्राफ जिते बड़े केवल लेखा एका भड़िका थी होमोफोन जिते बड़े केवल साउंड एका भड़िका थी पॉलीजेमी कहले गोटे शब्दर बहुत सारा अर्थ थी जहाँ आम अनेकार्थी शब्द कहचे से पॉलीजेमी। नेक्स्ट देखा द फेनोमेनन व्वेर आ सिंगल वर्ड असोसीएटेड विथ टू और सेवरल रिलेटेड मीनिंग जिते बड़े गोटे सिंगल वर्डर बहुत सारा अर्थ बाहर ताकू आम कौन कहे पॉलीजेमी एवं ही डिस्कस कले आम दस नंबर आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट जीवा स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामाटिकली एक्सेप्टेबल कौटा ग्रामाटिकली एक्सेप्टेबल देखु नो सुनर द गेम हार्ड स्टार्टेड दैन इट बिगान टू रेन नो सुनर हार्ड द गेम स्टार्टेड व्हेन इट बिगान टू रेन नो सुनर हार्ड द गेम स्टार्टेड दैन इट बिगान टू रेन नो सुनर द गेम स्टार्टेड दैन इट बिगान टू रेन टिके कंजक्शन जानी बेसिक प्रिंसिपल जानी आपरपारे कि डिफिकल्ट नहीं आदि देखु तेल नो सुनर पाखे हुएन लगे ठीक है नो सुनर पाखे दैन लगे ठीक है ता सहित नो सुनर इमीडिएट ता सहित कौन करिबो ना वर्ब नीड करिबो तले कौन हम आंसर टिके ध्यान दे देखु जेहेतु इमीडिएट पर वर्ब नीड करे तेणु नो सुनर पर आप द गेम लगे पारे ना नाउन लगे पारे ठीक है ये रहा नो सुनर द गेम ए दुटा तो कटिगला रहा कौन बी आउ सी ता भितर नो सुनर दान हुए ना नो सुनर हुए थोड़ी हुए तेणुटा कटिगला ना रहीगला कौन ऑप्शन सी नो सुनर हार्ड द गेम स्टार्टेड दैन इट बिगन टू रेन ऑप्शन सी जो मैंने करुँच गोटे मार्क आड करेंगे। नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड पंक्चुएशन रो आपन को गोटे क्वेश्चन निहाती भाव में पचारिबो तेणु देखंतु कोटा ठीक भाव में पंक्चुएट हेछि सी सेड टू हर सन इथि तो कोनोसी आपनकर पंक्चुएशन ही नाही लास्ट रे दे दीछि खाली क्वेश्चन मार्क सी सेड टू हर सन आर यू हंग्री अच्छा सी सेड टू हर सन आर यू हंग्री इथि आपनकर शॉर्ट स्मॉल लेटर लिखाई देखु स्मॉल लेटर इटा इटा से भूलगला तापर सी सेड टू हर सन तले आर यू हंग्री तले देखु एटी जो एटा भूल कहीं देखो प्राय तो ठीक लगुला बट बीटा भूल हबार कारण ये देखो डबल इनवर्टेड ही ना भूली जाइए डबल इनवर्टेड दबा को दैट्स वाई इटा भूलगला ओके ऑप्शन डी हम ये करेक्ट सी सेड टू हर सन देखो ये कमा देन आप डबल इनवर्टेड देन एटा कैपिटल हम आर यू हंग्री देन तापर आप क्वेश्चन मार्क आफ्टर दैट डबल इनवर्टेड थी सो ऑप्शन डी जो मैंने करुँच गोटे मार्क आड करेंगे। नेक्स्ट देखा आई कैन प्ले डैश वेरी वेल अ वायोलीन आन वायोलीन ना वायोलीन ना द वायोलीन बेसिकली वायोलीन हूँ गोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बट जिते बड़े आप मार्केट रु किणवाक जाऊँगी से समय मैंने कहीपरेंगे कि मो मार्केट रु वायोलीन गोटे वायोलीन किणुच्छी एर व्यवहार करें आन रो कदापि व्यवहार होबनी जेहेतु यहाँ भवेल साउंड नुहे ओके तेणु वायोलीन को आम एटी कौन कहीपर जेहेतु एक बजेवा अर्थ में आम व्यवहार करुचे तेणु कह द वायोलीन ओके द वायोलीन आई कैन प्ले द वायोलीन वेरी वेल। नेक्स्ट देखा हिज बिहेवियर ऑन दैट ओकेजन वाज क्वाइट डैश अप्रोप्रिएट रो अपोजिट वर्ड पचारी अपोजिट वर्ड ऑफ अप्रोप्रिएट तले तार बिहेवियर से ओकेजन रे कौन थी अनअप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट मिसअप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट सेम होगा कि ऑप्शन बी आउ डी सेम होगा से ही आंसर हम इन अप्रोप्रिएट हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा पीपल से दैट महेश वाज अ ग्रेट डॉक्टर द पैसिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस तले ये जो सेंटेंस आपको दे यार पैसिव करेंगे आपण मैने लोक मैंने कहती एटा आपण प्रेजेन्ट अच्छी देखु महेश वाज अ डॉक्टर यहाँ पास्ट अच्छी ओके लोक मैंने कहती महेश जड़े डाक्तर थिला गोटे बहुत बढ़िया डॉक्टर थिला ताकू जदि पासिव रे कहिबा तले कौन हबो इट इज सेड दैट लोक मैंने कहती यह लोक मान द्वारा कुहा जाए ठीक है तले इट वाज सेड एटा कटिजिबो काहेकि देखंतु आपनकर पीपल से अछि सेड नाही कि आपण वाज करिवे ठीक है तले इट इज सेड ए दुटा ही ठीक अछि दैट ये जो स्टेटमेंट अच्छे यहाँ चेंज हेनी
ओके ये स्टेटमेंट चेंज हेबनी कारण महेश मैंने लोक मैंने कहते कि महेश गोटे भल डॉक्टर अच्छी भल डॉक्टर थिला बोली ताहले एटा कहा जाए कि महेश गोटे भल डॉक्टर थिला बोली एटा आपण चेंज करिवेनी ताहले एज इट इज लिखा हबो एटा ठीक है ताहले इट इज सेड दैट महेश वाज अ ग्रेट डॉक्टर महेश इज अ ग्रेट डॉक्टर देखो ये वाज अच्छे आप कहीं मन इच्छा यूज करदे आंसर हम ऑप्शन ए इट इज सेड दैट एटा से पई आपण इट इज सेड कले ठीक अच्छे महेश वाज अ ग्रेट डॉक्टर एटा एज इट इज रहिबो तेणु ऑप्शन ए हम ये करेक्ट प्रियंका केप्ट हर कोट ऑन द बेड डैश वाज वार्म इन द रूम कहीं प्रियंका जो रहिला से तार कोट को बेड रे रखी देला कहीं इट वाज वार्म इन द रूम रूम रे बहुत गरम थिबारु सिंस ऑल्दो एट ना स्टील कौन हम कारण दर्शाऊँ ना सिंस हम ये षोह नंबर आंसर हो गला सिंस प्रियंका केप्ट हर कोट ऑन द बेड सिंस इट वाज वार्म इन द रूम नेक्स्ट देखा He arrived here after dash walk. Five minutes. तले he arrived here after 5 minute walk. Minutes अपन ऐठी कोरी बनी. Answer is वो option D. The method of teaching foreign language without using people's first language is. जेते बड़े अपन गुटे foreign language को सीखो चंती. आओ पिलर आओ सेथिरे फर्स्ट लैंग्वेज बा तार मदर टंग रो हेल्प नौ नहांती से मेथड को आपण कौन कहिबे डायरेक्ट मेथड क्लासिकल मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना ओल्ड मेथड तले ओल्ड मेथड रे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे आ क्लासिकल मेथड रे सब बडे मदर टंग को इंपोर्टेंस दिया जाउथिला एठी आंसर हिजबा आपणकर डायरेक्ट मेथड रे मदर टंग रे व्यवहार करा जायनी डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज को पिला को सिखा जाए ओके बट एबे जो आसी आपणकर नेशनल एजुकेशन आपणकर पॉलिसी एनईपी 2020 से अनुजाई आपण 1 to 5th आपण मदर टंग रा हेल्प नेबे पिला को टारगेट लैंग्वेज सिखेबा पई बा तार मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपण मदर टंग रे देई परिबे बट टारगेट लैंग्वेज रे आपण सबुबेले ट्राई करिबे कि हमरो अधिकरो अधिक फोकस डायरेक्ट मेथड बा टारगेट लैंग्वेज रे ही रहू नेक्स्ट देखिबा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग टा कहा को रिप्लेस कर देछि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्ट्रक्चरल टीचिंग सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग ना मोटिवेशनल लैंग्वेज तले कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होछि गोटे बढ़िया मेथड बेस्ट मेथड जो थे पिला को अपॉर्चुनिटी मिले तार ओपिनियन दबा को से निजे कहे ठीक है तले एटा गोटे बढ़िया ये रिप्लेस करिछि गोटे पुराना गाड़िया मेथड को करथिबो तले स्ट्रक्चरल टीचिंग को जो आमे पिला को स्ट्रक्चर सिखौथिले तापर से कहुथिला बट वर्तमान पिला आगो कहिबो देन स्ट्रक्चर सिखिबो बुझि परचंदी पिला जते कम्युनिकेट करिवो से बेटर सिखि परिवो ग्रामर बही ग्रामर कोन अछि रूल कोन अछि सेटा आगो जानि कि सिखिले पिला को सेटा कष्ट लागिवो ठीक हैला जेनो स्ट्रक्चरल टीचिंग को रिप्लेस कर देछि हमरो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जेतु एटा गोटे बेस्ट टीचिंग मेथड Which of the following approaches or method advocate linguistic competence and performance? तले कोटा को method टा linguistic competence आने पिला भितरे grammar translation method, communicative approach, direct method ना structural approach. तले grammar translation method गोटे भलो method नुहे structural approach मध्य इत्ते भलो नुहे रहीगला आपणकर direct method आउ communicative approach तादेरे बेस्ट होछि आपणकर कम्युनिकेटिव अप्रोच जोथिरे पिला को अपॉर्चुनिटी मिले कम्युनिकेट करबा पई ठीक हैला सो ऑप्शन बी होबे एठी राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग गुटे शब्द को तार अर्थ मिले कोथिरु फ्रॉम डिक्शनरी ओनली स्पेलिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिन ना रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट कौन आंसर 21 नंबर आंसर कौन हबो केवल डिक्शनरी रे ही वर्डर अर्थ आम जदि खोजिबा ओनली शब्द केबे भी ठीक नुहे स्पेलिंग रु नुहे ओरिजिन रु मध्य नुहे गोटे वर्ड को आम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट रे व्यवहार करू से सिचुएशन रे से वर्ड रो बहुत सारा अर्थ हो पारे गोटे सिंगल वर्ड रो बहुत सारा अर्थ हुए सेटा सिचुएशन वाइज तेणु आम कहीपर इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट 21 नंबर डी हम ये आंसर अ फोनीम इज फोनीम क्या कहुए डिफ्थोंग को अ वोवेल साउंड को अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड को अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड को तले फोनीम होची अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड साउंड इज रिलेटेड टू फोने फोनेटिक्स आपण अछि आपण को सिलेबस रे फोनेटिक्स स्टडी ऑफ आपण को जहां भी साउंड रहूची आर्टिकुलेशन इंग्लिश रो आपण को जति की साउंड अछि 24 एंड 20 वोवेल साउंड्स एंड 24 कंसोनेंट साउंड्स सेटा आसुची आपण को फोनीम फोनीम हैला सिंगल यूनिट ऑफ साउंड जेमती जको हमें ध्वनि कहू छै
द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकल इज तले गोटे सेंटेंस अछि मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकल तले ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली एटा करेक्ट अछि बट सिमेंटिकली एटा भूल अछि ना सिमेंटिकली एटा ठीक अछि बट सिंटैक्टिकली एटा भूल अछि ना सिमेंटिकली आउ सिंटैक्टिकली उभयरे भूल अछि ना सिमेंटिकली आउ सिंटैक्टिकली उभयरे ठीक अछि ठीक करेक्ट लिखबा कथा त लेखंतु कोन हो आंसर तले देखंतु मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकल बाइसाइकल को सब बड़े राइड करा जाए ओके राइड करा जाए ड्राइव्स नुहे तेणु देखंतु स्ट्रक्चर रे किछि भूल अछि कि मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकल एटी स्ट्रक्चर रे माने कोनोसी संरचना रे वाक्य रो स्ट्रक्चर रे कोनोसी भूल नाही ठीक है आपण को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रही सिक्वेन्स रे किछि भूल नाही तले सिंटैक्टिकली जदि देखिबा स्ट्रक्चर वाइज यादिरे कोनोसी भूल नाही किंतु सिमेंटिकली जदि देखिबा तहले एटा भूल अछि माने अर्थ अनुसार जदि देखिबा तहले एटा भूल अछि काहे कि ना मीनिंग वाइज जदि देखिबा तहले बाइसाइकल को ड्राइव करा जायनी राइड करा जाय ओके तेनो सिमेंटिकली एटा भूल हेगला किंतु स्ट्रक्चर वाइज एटा ठीक अछि तेनो ऑप्शन ए हबो एटी करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा कंटेंट वर्ड आर कॉल्ड कंटेंट वर्ड कहाँ को कहा जाए ग्रामाटिकल वर्ड लेक्सिकल वर्ड्स एम्प्टी वर्ड ना फंक्शन फैक्टर्स ना कौन इटा गोटे रंग अच्छी देखु कंटेंट वर्ड कहाँ को कहा जाए तले लेक्सिकल वर्ड जो वर्ड रा गोटे डिक्शनरी रे मीनिंग अच्छी बा गोटे गोटे लेक्सिकल मीनिंग अच्छी कंटेक्स्ट वाइज आम तार मीनिंग बाहर करपरचे कहुए कंटेंट वर्ड ओके लेक्सिकल वर्ड 24 नंबर बी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा व्हिच इज अ लेक्सिकल वर्ड जार गोटे डेफिनेट मीनिंग थिबो लव इज द ना आपनकर रहिची माइट लव हबो ठीक हैला इज द ये सब फंक्शनल वर्ड लव हबो लेक्सिकल वर्ड नेक्स्ट देखिबा व्हिच इज अ फंक्शनल वर्ड कोटा हाउएवर बुकिंग प्रिंसिपल समवन ये तीनटा रो लेक्सिकल मीनिंग अच्छी बट हाउएवर सेंटेंस रे यूज करिबा पाई गोटे फंक्शनल वर्ड ओके ऑप्शन ए हबो करेक्ट नेक्स्ट अ साइट वर्ड इज अ वोकैबुलरी आइटम साइट वर्ड कहाँ को कहा जाए दैट इज टू लर्न बाय हार्ट जहाँ को पूरा हृदय सहित मन रखा पड़े सीखा पड़े ताको साइट वर्ड कहती दैट हेल्प इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर स्टाइल रो माने को इफेक्टिवली सेटा जज करिबरथुबा से वर्ड को कहिबा दैट रीडर रिकग्नाइजेस एंड फाइंड मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कम्प्लिकेटेड आनालीसीस जहाँ को जड़े रीडर बिना कम्प्लिकेटेड आनालीसीस गोटे थर के रिकग्नाइज कर जाए ना दैट नीड्स प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ना ताको पूरा बढ़िया से प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग द्वारा आप बुझी था कौन आंसर बहुत थर डिस्कस निहाती भाव आंसर दिंतु सतैश नंबर आंसर कौन हम साइट वर्ड कहाँ को कहा जाए जोटा को आप गोटे नजर से जानदेवे ठीक है दैट द रीडर रिकग्नइज एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कम्प्लिकेटेड आनालीसीस बिना विश्लेषण से आपड़ देखीदे देखिकी ही जानदेवे सेटा हूँ साइट वर्ड नेक्स्ट डिप्थोंग आर डबल कंसोनेंट साउंड भवेल साउंड डबल भवेल साउंड ना कंसोनेंट साउंड वेरी इजी आपणकर जो साउंड रही देर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश ता भितर आपणकर 20 साउंड्स रही भवेल साउंड एंड 24 साउंड्स आर कंसोनेंट साउंड्स ए जो रही 20 साउंड तादर आपणकर मोनोथोंग रही एंड डिप्थोंग रही क्लियर और ये मोनोथोंग आपणकर 12 एंड डिप्थोंग रही 8 से जो डिप्थोंग रहिला ताको कौन कहिबा डबल डबल भवेल साउंड जमी आपण रोचान ऑइल एटा कौन ऑइल बुझुचान ऐ दीटा भवेल साउंड गोटे अ रोटे इर है तेले एटा हूँ डबल भवेल साउंड डिप्थोंग से मनोथोंग हूँ मनोभवेल साउंड गोटे से भवेल साउंड यूज हुए डिप्थोंग आर अल्सो कॉल्ड तले जो डिप्थोंग रोचे बा डबल भवेल साउंड रोचे या को अदरवाइज आपणकर ग्लाइड भवेल्स कहा जाए ओके ग्लाइड भवेल्स ऑप्शन बी हम ये करेक्ट आंसर ऑइल बॉइल ओके अबाउट आउ ए टाइप जो साउंड हो दी दीटा भाव यूज हो फाइनाली आपण तीस नंबर प्रश्न अ वर्ड विथ डिफरेंट स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन आज अनदर बट विथ डिफरेंट मीनिंग अच्छा कौन दे स्पेलिंग अलग थी बट सेम प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन माने साउंड जदि तार साउंड सामान किंतु तार लेखाटा अलग कौन कहवा होमोफोन कहवा होमोफोन ऑप्शन ए तले तीसटा क्वेश्चन आम डिस्कस कले
आउट ऑफ 30 आपंक केतेटा आसिला निहाती भाबरे कमेंट बॉक्स रे जणांतु। जदि क्लास टू आपंक ए क्लास टी हेल्पफुल लगी निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, ठीक है। आगो को थिबा आपंकर जो सिटी एग्जाम आसुची ता रिलेटेड मध्य बहुत सारा क्लास करा जिबो। आपंकर जो भी सान भाई भोनी माने अछंती से माने सिटी एग्जाम दबा को चाहउछंती तले से मानको निहाती भाबरे जणैबे। ओडिसा ए क्लासेस रे रेगुलर क्लास चलिबो, ठीक है। आउ जदि भी आपण माने ओटेट रो पेपर 1 एंड पेपर 2 रो क्लास देखी नहंती, डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी, प्लेलिस्ट मध्य क्रिएटेड अच्छी, आपण सेठी जाई के देखि परबे। धन्यवाद।